उनकी जो बहादुरी थी वो दिखाई गई है। तो पहले तो घूमर जो गाना आया है उसके बारे में जानते हैं, क्या उस समय पे ये घूमर डांस हुआ करते थे राजपुताना में? 1300 ईस्वी में कोई भी राजपुताने में घूमर ये सॉन्ग ऐसे नहीं हुआ करते थे। जब उस समय चारण समाज हैं जो हमारे कविया हुआ करते थे, वो गा करके सुनाया करते थे वीर गाथाएं। तुम्हारे दादा ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, तुम्हारे बाबो साहब ऐसे थे, तुम्हारे काको साहब ऐसे थे, जो बना लोगों नींद में सो जाया करते थे उनको जगाने का काम करते थे चारण। और चारणों को आज आपने देखा होगा, मैंने उनको उपाधि दी थी कि तुम करनी माता के मन से जो देव तुल्य हो तुम, मैंने कहा था चारणों को, और वो हैं, क्योंकि वो हर जगह जहाँ राजपूत सो जाया करते थे, जहाँ राजपूत नींद लिया करते थे, वहाँ वहाँ जगाने का काम किया करते थे चारण समाज। इसी तरह मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप जो कह रहे हो ये घूमर जो सॉन्ग दिखाया है, फिल्म नहीं देखी हमने और देखेंगे भी नहीं, ये जो घूमर सॉन्ग दिखाया है यही रॉन्ग है। सबसे बड़ी बदनामी हमारी यही है। इसने टीआरपी बढ़ाने के लिए एक अखबार में इसने न्यूज़ लगवाई थी कि मैं काल्पनिक रूप से सती माता पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में प्रेम प्रसंग दिखाऊंगा सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए, लोग विरोध करे रही है ये। पर मैंने उस दिन भी इसको कहा था कि ये तेरी टीआरपी नहीं, तेरी फिल्म बैन होगी, तू टीआरपी के चक्रों में बहुत पड़ गया, अब की बार असली हिंदू शेर से असली राजपुताने के एक छोटे से राजपुताना का छोटा सा कण हूं उससे पाला पड़ा है तेरा, और तेरे को नानी याद नहीं दिला दूं तो मेरा नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी नहीं, ये फिल्म पूरे भारत में बैन होगी और होगी। ये करोड़ों युवाओं की मांग है इस देश के अंदर, सती माता पद्मावती फिल्म वैन हो, वैन हो, हमारे धर्म को, हमारे इतिहास को आईएसआई और दाऊद के इशारे पर अब बदनाम नहीं होने देंगे। पंसाली भांड, सुधर जा, सुधर जा।